छोटियां भैणा भी यूट्यूब मैं कई दिन तो बाद दिल्ली समागम रजौरी गार्डन को कीर्ति नगर आई है। सुंदर नगर के मौजूद है एकता लहर की टीम जिथे कि महान कीर्तन दरबार हो रहा। यह जो कीर्तन दरबार आ महला सुंदर नगर के हर साल करवाया जाता है। सज्जन नाल मौजूद ने, थोड़ी थोड़ी गलबात करेंगे। बहुत सारी संगत इतने दूरों दूरों आके शब्द कीर्तन के नाल निहाल हो रही है। गलबात करेंगे थोड़ी थोड़ी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु रामदास सेवा सोसायटी वालों समूह नगर वालों ये तीसरा महान कीर्तन दरबार महला सुंदर नगर विखे करवाया जा रहा है, जिद भाई कमलजीत सिंह शांत जी जलंधर वाले ने नगर कीर्तन किया। हुण भाई जसकरण सिंह जी पटियाले वाले संगतों को कीर्तन नाल निहाल कर रहे हैं। इस तरह ये कीर्तन दरबार इत्थे करवाए जाते रहेंगे। गुरु साहब अपनी मेहर करन ते साडे सारी सोसायटी नूं ये बल बख्शन कि असी हमेशा कीर्तन दरबार करवाते रहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अपार कृपा सदका तीसरा महान कीर्तन दरबार जो कि महला सुंदर नगर नकोदर विखे करवाया जा रहा, तो जिस विच भाई कमलजीत सिंह जी की शांत और भाई जसकरण सिंह जी पटियाले वाले पहुँचे हैं। तो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह ही गुरु साहब कृपा करें, इस तरह ही ये गुरबाणी के प्रचार इस तरह ही चलता रहे, इस तरह ही सानू उपराला कराते रहिए। धन्यवाद जी। एकता लहर वाले वीरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। जी हरजिंदर सिंह बोल रहे हैं जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पार कृपा सदका ये तीसरा महान कीर्तन दरबार हो रहा। गुरु रामदास सेवा सोसायटी वालों सच्चे पातशाह ने बहुत कृपा की है। बहुत वाहिगुरू चढ़दी कला समागम हो रहा है। सारी संगत का सहयोग के नाल हो रहा। भाई भाई जसकरण सिंह कीर्तन कर रहे हैं। इस तो पहले भाई कमलजीत सिंह शांत भी कीर्तन करके गए हैं। सारा संगत का सहयोग है। असं चाहते हैं कि अगर वास्ते भी इस तरह ही कीर्तन दरबार चलते रहन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तस्वीरां तुहानूं महला सुंदर नगर तो दिखा रहे सी जिथे कि महान कीर्तन दरबार हो रहा अते बहुत सारिया संगतां इत्थों दूरों दूरों आके कीर्तन सरवण कर रही ने। कैमरा परसन सुमित धींगड़ा दे नाल सुशील धींगड़ा, एकता लहर न्यूज नकोदर।